करके गए हैं। दिनकर जी ने हमें कुछ कहा भी है, लेकिन शायद वो बातें भूलना अच्छा लगता है, इसलिए लोग भूल जाते हैं। एक बार कुछ बुराइयां समाज में आती रहती है, हर बार आती रहती है, हर युग में अलग अलग प्रकार की आती हैं, लेकिन किसी ने ज्ञाति के जाति के आधार पर दिनकर जी के निकट जाने का प्रयास किया। उनको लगा कि मैं आप ही की बिरादरी का हूं, आपकी जाति का हूं, तो आज मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। और वैसा रहता है समाज में ये कोई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दिनकर जी की सोच कितनी सटीक थी, वरना उस माहौल में कोई भी फिसल सकता है। और वे तो स्वयं राज्यसभा में थे, राजनीति को पूरी तरह निकटता से देखते थे, अनुभव करते थे, लेकिन उस माहौल से अपने आप को परे रखते हुए उस व्यक्ति को उन्होंने मार्च 1961 को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में जो लिखा गया है, बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता, वह बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। मार्च 1961 में लिखी हुई चिट्ठी आज बिहार के लिए आज भी उतना ही जागतिक संदेश है। ये किसी राजनीति से परिचित व्यक्ति के शब्द नहीं है, एक किसी शब्द साधक के शब्द नहीं है, एक किसी साहित्य में रुचि रखने वाले सर्जक के शब्द नहीं है, एक ऋषि तुल्य व्यक्ति के शब्द है जिसको आने वाली कल दिखाई देती है और जिसके दिल में बिहार की आने वाली कल की चिंता सवार है। और तब जाकर के शब्द अपने ही समाज के व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में कहने की ताकत। बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, और ये बात मान के चलिए हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये भारत माता कभी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत का पश्चिमी छोर, वहां कितनी ही लक्ष्मी की वर्षा क्यों न होती हो, लेकिन पूरब से सरस्वती का संदेश का मेल नहीं होता तो मेरी पूरी भारत माता उजागर नहीं हो सकती। और इसलिए हमारा सपना है कि पूर्वी हिंदुस्तान कम से कम पश्चिम की बराबरी में तो आ जाए, कोई कारण नहीं पीछे रहे। अगर बिहार आगे बढ़ता है, बंगाल आगे बढ़ता है, आसाम आगे बढ़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है, सारी दुनिया देखती रह जाएगी हिंदुस्तान की तरह आगे बढ़ गया। दिनकर जी का भी सपना था बिहार आगे बढ़े, बिहार तेजस्वी ओजस्वी, ये बिहार संपन्न भी हो, बिहार को तेज और ओज उछे, किसी से किराए पर लेने की जरूरत नहीं, उसके पास है। उसे संपन्नता के अवसर चाहिए, उसको आगे बढ़ने का अवसर चाहिए, और बिहार में वो ताकत है। अगर एक बार अवसर मिल गया तो बिहार औरों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा।